हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने अजीजाना यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, सोचा काफ़ी दिनों के बाद आपको मैं जोड़ों कबूतरों का शौक करा देता हूँ। ये देखिए गाइस, सारे नर हैं यहाँ पे और बहुत सारे कबूतर आपको कम भी दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे कबूतर उड़ने के लिए ऊपर चले गए। बाकी मैं कुछ कबूतरों का, चुनिंदा कबूतरों का आपको शौक कराता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, न्यू व्यूवर्स आए हैं, तो उन्हें अपने जोड़ों कबूतरों का मैं शौक कराना चाहूँगा। तो भाई, जिनके पट्टे हमारे यहाँ इस टाइम उड़ रहे हैं, बाकी आप शौक करें, मैं दिखाता हूँ। ये जो कलसीरे सांप वाले हैं गाइस, ये देखो, ये है कलसीरे सांप वाले गाइस। कोई मेरे पास यहाँ पर है नहीं जो पकड़ के दिखा सकूँ मैं, मगर ये वो कलसीरे कबूतर हैं जिनके पट्टे कलसीरे सी आँच ही पड़ते हुए देखता हूँ और मैं कहता हूँ सांप वाली नस्लों में से है ये, वो है गाइस। और ये गाइस वो भिक्का है जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, जिसे मैंने कहा है कि सुजात खां के जो कबूतर है हमारे पास, उसका पट्टा है ये। तो ये जो खुद हुई है, बना बनाया, और गाइस जितना वो पुराना होगा ना, बस यही हो जाएगा बना बनाया पूरा। और ये देखो, ये रहे कलसीरे पीछे ये खड़े। और गाइस ये देखिए, एक मकोया पट्टा बड़ा लंबा उड़ रहा है, वो उसका सगा भाई है गाइस, आपको शौक कराऊंगा मैं। और एक भूपेंद्र चौधरी है हमारे बिजनौर के, उनका ये पीछे एक कबूतर खड़ा है, जड़चे मत्स्य वाले जड़चे और भूपेंद्र चौधरी वाले चढ़चे उड़ते हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, तो उनके एक दिन में 4 मोहरी आए थे किरतपुर में, तो अब 3 तो गाइस पता नहीं मर चुके हैं, और उड़ाने के बाद खैरा वैरा ले गया था, बाकी बस एक कबूतर बचा है ये इनका, ये रहा गाइस। और बहुत ही आलीशान है, बच्चे बहुत लंबा उड़ाता है ये देखो गाइस, ये है वो कलसीरे सांप वाले कबूतर, और पीछे भी खड़े हैं ये देखो काले, ये देखो गाइस, ये खड़े। और ये देखो कलसीरे मकोए काफूरी जर्सी है, ये भी देखो गाइस, दूर से दिखाना मैं पसंद करूँगा आपको इनसे। ये बहुत कम कबूतर बचे हैं, अब बहुत ही कम कबूतर बचे हैं, और इनकी मादी ने इनसे अलग कर रखी है हमने। ये देखो गाइस, ये देखो, ये जो गुटक रहा है, और ये गाइस ये जो कबूतर गुटक रहा है ये वही कलसीरा कबूतर है जिसकी मैंने वीडियो बना के डाली है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके 10वां पर सफ़ेद है एक पल्ले का, देखो गाइस ये वही कलसीरा है जिसे जिसकी पकड़ने की वीडियो डाली थी, नीचे डाल रखा है। और ये देखो गाइस, ये रहा वो रामपुरी जो पकड़ा था, इसे भी नीचे डाल रखा है, ये गुटक रहा है। और ये पाकिस्तानी देख लो गाइस हमारे, ये पाकिस्तानी है कुछ, इनके पट्टे भी उड़ाए हमारे यहाँ, पिछले साल एक कबूतर रात हो गया इसका भी पट्टा मोहर लगने के बाद। और ये देखो आप, अब मैं कैसे बताऊँ गाइस, यूट्यूब पर बताऊँगा मैं, अब मतलब कि कौन से जोड़ों का पट्टा उड़ रहा है, कौन से जोड़ों का नहीं उड़ रहा, फिर आपको बताने में भी मज़ा आएगा। मगर ये है कि मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली एक फिक्के कबूतर की, जिसे मैंने कहा है कि जो सुजात खां का कबूतर है हमारे पास, उसका पट्टा है। और ये रहा वो कबूतर गाइस, इसकी बस बाजू में थोड़ा सा वरम आ गया, गार्ड आ गई, मगर ये ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ये देखो आप, ये भी इसी नस्ल में से है, नस्ल से मतलब है गाइस, दिखता दिखता है एक जैसा ही है। और ये देखो, ये इसी का पर लगा हुआ है पिक के बेस पर, ये थोड़ा सा बीमार चल रहा था तो इसलिए नीचे पड़ा है ये, बाकी ये उड़ने के लिए ऊपर था कुछ दिनों पहले। और मैं आपको कौन सा दिखाऊं, ये देखो गाइस, आप भी देखो, आप इसका पट्टे भी उड़ रहा है हमारे यहाँ, और इसका पट्टे जो है वो फिक्के बनते हैं असल में। ये देखो गाइस, ये है मत्स्य वाले जर्चे, ये रहे ये खड़े। और ये रहा भूपेंद्र चौधरी वाला कबूतर हमारा, सबसे बहुत पुराना कबूतर हो गया, 8-9 साल पुराना कबूतर हो गया, ये देखो
ये मस्त वाले जर्सी है, इनमें टच दिया है अब हमने मस्त वाले जर्सियों में, भूपेंद्र चौधरी वाले जर्सियों में। क्या जर्सी है ये देखिए भाई, भूख निकल जाएगी, भूख भाग।